आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पार्टीशन मैट्रिसेस। ये लेक्चर एडवांस है मैट्रिसेस में, क्योंकि पहले जितने भी मैट्रिसेस को हम डिस्कस करते हैं, उनके ऑपरेशंस डिस्कस करते हैं या उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, तो मैक्सिमम हम 2 से 3 यानी उसके ऑर्डर तक जाते हैं, 2x2 या 3x3 तक जाते हैं, या उससे भी आप आगे चले जाओ तो 4x4 तक चले जाओगे मैक्सिमम। लेकिन हम जो डिटर्मिनेंट सीखते हैं वो 3x3 तक सीखते हैं मैक्सिमम, अब तक जो आपने सीखा होगा। जो डिटर्मिनेंट सीखा होगा वो मैक्सिमम आपने 3x3 मैट्रिक्स का सीखा होगा कि वो कैसे फाइंड करते हैं, और इनवर्स भी आपने जो सीखा होगा वो अब तक 3x3 का सीखा होगा, या जो मैंने एक मेथड करवाया था आइडेंटिटी वाला, उसमें आप जिस ऑर्डर तक चाहें आप जाके आप उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, राइट। लेकिन अभी जो पार्टीशन मैट्रिक्स है ये आपको मज़ीद आसानी की तरफ लेके जाता है कि आपके जो बड़े बड़े मैट्रिक्स हैं उसको आप पार्टीशनिंग उसकी कर लें, छोटे मैट्रिक्स में उसको कन्वर्ट कर लें, और उसके बाद आप उसके पे ऑपरेशंस अप्लाई करें, एडिशंस अप्लाई करें, सब्ट्रैक्शन अप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करें, ठीक है। तो सब कुछ आप पार्टीशनिंग करके भी सेम आंसर ला सकते हैं, राइट। पार्टीशनिंग आपने कैसे करनी है? अगर तो एक मैट्रिक्स है आपके पास, सिंगल मैट्रिक्स है, तो उसके आप जिस तरह चाहें पार्टीशनिंग कर लें कि पहले आप 2x2 का मैट्रिक्स ले लें, फिर 2x3, जो आपके पास रिक्वायरमेंट आ रही है आप ले सकते हैं। जब आपके पास दो मैट्रिक्स होंगे तो उस वक्त आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए आपको केयरफुली पार्टीशनिंग करनी पड़ती है। इस हिसाब से करनी पड़ती है कि आप फर्स्ट मैट्रिक्स की जो पार्टीशनिंग बना रहे हैं उसके हिसाब से आप सेकंड की पार्टीशनिंग बनाते हैं कि क्या वाकई में उसको ऐड, क्या वो ऐड के काबिल होंगे अगर मैं उसकी पार्टीशनिंग कर भी दूँ तो। ऐसा ना हो कि मैं एक मैट्रिक्स की पार्टीशनिंग कर दूँ, स्टार्ट ले लूँ 2x2 से, और दूसरे मैट्रिक्स में की मैं पार्टीशनिंग स्टार्ट ले लूँ 3x3 से, तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड ही नहीं हो सकते। तो इसलिए उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको केयरफुली उसकी पार्टीशनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे 2 मैट्रिक्स लिखे हैं। अगर तो आपने ये मैट्रिक्स, मैंने एक एग्जांपल ली है मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन सो सिंपल, वो आप खुद भी कर सकते हैं, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल ली है ताकि ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है कि इसमें आपने ध्यान रखना होता है कि मैंने कौन सा मैट्रिक्स लिया है, तो मैंने इसको फिर किस मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करने से मेरा आंसर जो है वो राइट आएगा, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल सॉल्व करवाता हूँ आपको। ये देखिए, अगर आप इसकी पार्टीशनिंग करते हैं यूं, ठीक है, कि पहले आपने 2x2 का मैट्रिक्स ले लिया, फिर 2x3 का मैट्रिक्स ले लिया, फिर 1x2 का एंड 1x3 का, ठीक है। इसको हम अगर जनरलाइज करना चाहें तो हम यूं लिख सकते हैं, ए बी, तो बी मैट्रिक्स बना लें, टू थ्री एंड सी टू वन एंड डी 1 3। आप इसको जनरलाइज फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि मैंने जो पार्टीशन बनाई वो किस तरह की बनाई। अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हैं तो आप ये देखेंगे ये 2x2 का मैट्रिक्स है, तो नेक्स्ट आपको मल्टीप्लाई के लिए अगर कॉलम में 2
आपके पास डिजिट आ रहे हैं तो यहाँ आप रो में टू डिजिट लेंगे, यानी टू कॉलम है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप टू रोज लेंगे, ठीक है। ये आपने अब जब इसको मल्टीप्लाई करना है तो अब ये देखिए, जो आपके पास जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रो ने कॉलम के साथ, कॉलम ने रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब ये देखिए कि आपके पास जो रिमेनिंग यहाँ पे कॉलम है इस सेकंड पार्टीशनिंग में, तो यहाँ पे आपके पास थ्री रोज, यहाँ पे थ्री कॉलम है, यहाँ पे थ्री रोज, ठीक है। तो आप इसको अभी जैसे मैंने पार्टीशन इसकी बनाई है, ये इसके लिए बिल्कुल बेस्ट है कि आपने मल्टीप्लिकेशन को भी मद्देनज़र रखना है कि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकूँ। अगर आप इसकी पार्टीशनिंग ये ले लो और इसकी आप ये ले लो, दैट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग पार्टीशनिंग होगी, क्योंकि ये टू कॉलम है तो यहाँ पे आपके पास थ्री रो हैं, तो ये तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। मल्टीप्लाई का आप भी आपने ख्याल रखना है और इस तरह से पार्टीशनिंग बनानी है कि आपकी पार्टीशनिंग जो है आपकी फुल साबित हो और उसको वाइटिंग में आ सके, ठीक है। तो अब मैं इसको कंप्लीट करना चाहूँगा, तो ये आपके पास बी जो मैट्रिक्स है वो बी टू टू एंड सॉरी इसको आप सारे को ए का नाम दे, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ए बी इज इक्वल ए टू टू मल्टीप्लाई बी टू टू प्लस ए टू थ्री मल्टीप्लाई बी थ्री, जी स्टूडेंट्स। इसमें अगर किसी स्टूडेंट्स का कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ या कोई कन्फ्यूजन है तो हम इससे अभी डिस्कस कर सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं कि आपको कहीं से समझ ना आई हो तो। दानिया, मोहसिन, तैयब, फाहद, कि सबको क्लियर हो गया ये? जी मौसम को क्लियर हो गया। जी फहद, जी गुड, दानिया को भी क्लियर हो गया। चलें जी, गुड हो गया। और तैयब, पार्टीशनिंग का आपने ख्याल रखना है कि पार्टीशनिंग करनी कैसे है, जस्ट ये मल्टीप्लाई का मैंने आपको प्रोसेस बताया है, ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने आपको यहाँ पे प्रोसेस बता दिया कि मल्टीप्लाई करना है आपने ए टू टू मल्टीप्लाई बी टू टू। इसका मतलब ये क्या है कि जो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स है इसको अपने इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक आंसर आएगा। मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती जी। ऑर्डर इस तरह से होना चाहिए कि अगर आपके पास फर्स्ट में कॉलम फाइव है तो सेकंड में रो फाइव होनी चाहिए। पार्टीशनिंग भी इस तरह होगी क्योंकि जो मल्टीप्लीकेशन जिसकी पॉसिबल नहीं है उसकी पार्टीशनिंग नहीं हो सकती। फर्स्ट पॉइंट जो है वो मल्टीप्लीकेशन का है कि क्या वो दोनों मैट्रिक्स को पॉसिबल हैं
मैं ये कह रहा हूँ कि जब उनका ऑपरेशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर पार्टीशनिंग की तरफ हम जा ही नहीं सकते। ये उसके लिए है कि जो हमने हमारा ऑपरेशन पॉसिबल आ रहा है, एडिशन पॉसिबल आ रही है, उनकी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल आ रही है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल आ रही है, फिर आप उनकी पार्टीशनिंग करके आप उसको सिंपल यानी छोटी छोटी पार्टीशनिंग करके मल्टीप्लिकेशन करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। राइट अगर ऑपरेशंस पॉसिबल हैं तब पार्टीशन का रूल अप्लाई हो सकता है। राइट मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स में 5 कॉलम है, सेकंड में 5 रो है, आप इसको दूसरी तरह भी मल्टीप्लाई करना चाहें बगैर पार्टीशनिंग के तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेज रिक्वायर होगा और ज़्यादा आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, पार्टीशन अब इसकी आप कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ना होती इनकी, यानी ये बी जो है यहाँ पे 3 कॉलम होते, ठीक है, तो या इसमें 6 रोज़ होती हैं उसमें 5 कॉलम है, तो 5 ने 5 रोज़ के साथ मल्टीप्लाई होना, 6 वाला तो फ्री आ रहा है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है। जी जी, ये मैं मल्टीप्लिकेशन का रूल बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर अगर बी वो भी देखना पड़ता है, क्योंकि प्लस माइनस में ये है कि अगर आपके ए उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, कि ए के 2/2 है तो बी का भी 2/2 होना चाहिए, तभी ऐड हो सकेगा, अदरवाइज वो है। ये जो मैं ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए है, बाकी दूसरा जो रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, उनमें दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। राइट चलें जी, इस लेक्चर में जस्ट पार्टीशनिंग है और मैंने मल्टीप्लिकेशन बता दी, अब मैं आपको पार्टीशनिंग के थ्रू इनवर्स फाइंड करना सिखाता हूँ। ठीक है, जी स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखा है, क्या ये सबको नज़र आ रहा है? ये 5x5 का एक मैट्रिक्स है,
ठीक है, यानी इसका ऑर्डर जो है वो 5 बाई 5 है। अच्छा, अब अगर आप इसका डायरेक्ट इन्वर्स फाइंड करना चाहें तो कैसे करेंगे, किसी स्टूडेंट को कोई आइडिया हो? वो मेथड सिर्फ अप्लाई होता है 2 बाई 2 मैट्रिक्स पे, ये 5 बाई 5 मैट्रिक्स है। जी, बाकी स्टूडेंट्स दानिया, मोहसन, फहद, आपको तीनों को कोई आइडिया है? मे बी मैंने करवाया हो। पार्टीशनिंग के बगैर मुझे पहले वो बताएं कि पार्टीशनिंग तक जाने से पहले कोई ऐसा मेथड है जिससे आप इसका इन्वर्स फाइंड कर सकें? नहीं आइडिया है। मोहसिन क्या लगा दें? रो, आपने 50% आंसर दिया है, पूरा आंसर आपने नहीं दिया। उसमें ऑपरेशन हमारे पास कौन सा है कि आप इसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में आप लिखें आइडेंटिटी, ठीक है, लाइक दैट ए आई, ये लिखना है। इस मैट्रिक्स के एक साथ आपने यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखने के बाद आपने इस पे रो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, रिड्यूस एचलन रो ऑपरेशन, जिससे आपने इस वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना है। जी, जो लीडिंग नंबर्स हैं आपके पास उनको आपने 1 बनाना है डायगोनल वाली। तो इसके साथ जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया है उसके अंदर भी चेंजिंग आ रही होंगी, तो जब ये आइडेंटिटी बन जाएगा वो मैट्रिक्स आपका इन्वर्स कहलाएगा, वो इन्वर्स कहलाएगा। जी, ये देखो ए आई इज इक्वल टू आई ए इनवर्स, ए ने ए वाले को हमने आइडेंटिटी बनाना है और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो इनवर्स बन चुका होगा। राइट, लेकिन आप उसके साथ आइडेंटिटी मिलाकर आइडेंटिटी को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल रहे हो तो इन्वर्स खुद ब खुद बन रहा है। ये किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो उसके लिए ये मेथड जो है ये वैलिड है। 2 बाई 2 को भी आप इस तरह कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज 2 बाई 2 का जो इन्वर्स फाइंड किया जाता है वो एडजॉइंट ओवर डिवाइडेड बाय उसका डिटरमिनेंट है, ठीक है। लेकिन जब हम 3 बाई 3 पे जाते हैं तो उसमें हम कोफैक्टर्स बनाते हैं, एडजॉइंट की जगह पर हम कोफैक्टर्स बनाते हैं और उसका भी डिवाइडेड डिटरमिनेंट करके, वो एक लेंथी प्रोसेस है। तो ये मेथड इजी है, आपको जस्ट रो ऑपरेशंस अप्लाई करना आने चाहिए। ऐसे ही फाइंड कर लो, चाहे 10 बाई 10 का आ जाए, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो आप इस तरह उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हो। ये सबसे इजी मेथड है, जस्ट आपको रो ऑपरेशन अप्लाई करना आने चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, अब मैं इसको पार्टीशनिंग से करूंगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो 0 0 काफ़ी मिकदार में आ रहे हैं, तो मैं इस तरह पार्टीशनिंग करूंगा कि मेरे जो 0 0 हैं वो एक ऐसा मैट्रिक्स बन जाए कि जिनका इन्वर्स फाइंड करने की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। राइट, 0 का इन्वर्स भी 0 ही होता है,
तो अगर हम नल मैट्रिक्स का इन्वर्स लेंगे तो वो नल मैट्रिक्स का इन्वर्स भी नल मैट्रिक्स ही रहेगा, राइट? मैंने कहा कि इसके अंदर ज़ीरो जो है वो काफ़ी मिकदार में आ रहे हैं, तो हम ऐसा करेंगे कि ज़ीरो को सेपरेट करके बाकी जो हमारे पास पार्टिशनिंग में मैट्रिक्स बनेंगे वैल्यूज़ वाले, हम उनके इन्वर्स फाइंड करेंगे, ज़ीरोज़ के इन्वर्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी हमें। ज़ीरोज़ की मैं एक अलग पार्टिशनिंग बनाऊंगा और बाकी जो रिमेनिंग होंगी वो मेरे पास नंबर्स में यानी नॉन ज़ीरो नंबर्स आ जाएंगे। नहीं कर रहा, पार्टिशनिंग से सॉल्व करने लगे, ठीक है। तो अब मैंने जिस स्टूडेंट पार्टिशनिंग समझ में आई आपको,